Hi guys, welcome to Anushala by Anushree. From today onwards, we are going to start with our lecture number 4 for class 9th, History, chapter number 1, the French Revolution. आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को, इस पूरे चैप्टर को रादर हम कंक्लूड कर दें, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट बस बचा है, काफ़ी कुछ हम इस चैप्टर के बारे में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? तो बिना किसी डिले के चलेंगे हम अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है विमेंस रेवोल्यूशन, ठीक है? पिछली कहानी कहाँ तक पहुँची थी कि अब क्योंकि डायरेक्टरी की और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की आपस में नहीं बन रही थी, तो एक नया मिलिट्री पर्सन यहाँ पर आ जाता है, जो होता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है? अब नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि विमेन का क्या रोल था अभी तक, है ना? अब एक मिनट लिए जो अभी तक की स्टोरी पढ़ी है उसको साइड में रखो और समझेंगे पहले कि विमेन का क्या रोल था, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि विमेन बिल्कुल स्टार्टिंग से, रेवोल्यूशन की शुरुआत से एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनी थी, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स कभी नहीं मिले. नॉट ओनली वोटिंग राइट्स, उनको कभी भी एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया. नेशनल असेंबली ने उनको कोई, उनके किसी राइट्स की बात नहीं करी, ठीक है? फिर उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने उनको कुछ नहीं दिया, ठीक है? लेकिन स्टिल वेमेन कंटिन्यूसली ट्राइंग टू गेट सम ऑफ देयर राइट्स, ठीक है? देवर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम बिगनिंग. थर्ड एस्टेट वेमेन वर्क टू अर्न अ लिविंग, इवन देवर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक स्फीयर. मोस्ट वेमेन डिडेंट हैड एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. क्यों? क्योंकि उनको समझा ही नहीं जाता था उस लायक. दोज वर्किंग गेट लोअर सैलरीज दैन मैन. सेम, ठीक है? अगेन ये सैलरी में डिफरेंसेस क्यों? क्योंकि सेम काम के लिए भी मैन को ज़्यादा तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन वेमेन को कम. वेमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. फेमस कौन था इसमें से? जैसे मैन का एक फेमस पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन, जहाँ से रॉबेस्पियर भैया आए थे. वेमेन का कौन सा था? सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वेमेन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स. अच्छा, 1791 वाले कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी नहीं लिखा था कि विमेन को पैसिव सिटीजन बना दिया गया, ठीक है? लेकिन उसमें जब बात की गई थी मेन को सिर्फ एक्टिव सिटीजन बनाने की, तो मतलब तो वही हो गया कि आप सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सिर्फ एक जेंडर को प्रेफरेंस दे रहे हो, उसको एक्टिव सिटीजन बना दे रहे हो, तो दूसरे को तो पैसिव आप सिटीजन बोल ही रहे हो, ठीक है? तो इससे वुमेन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती हैं. पैसिव सिटीजन का मतलब है कि जो एक बैकग्राउंड में रह के एक रोल प्ले कर रही हैं, पॉलिटिकली हम उनको एक्टिव नहीं मानते उतना कि हम उनको कोई प्रकार के राइट्स प्रोवाइड करें. दे डिमांडेड राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू दी असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस. वेमेन के राइट्स की जो डिमांड थी वो शुरू से यही थी कि हमको पॉलिटिकल राइट्स तो बराबर चाहिए, मतलब हम वोट का भी अधिकार मांग रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार मांग रहे हैं, हम असेंबली में जाने का भी अधिकार मांग रहे हैं, और साथ में हम गवर्नमेंट ऑफिसेस होल्ड करने का भी अधिकार मान रहे हैं. मतलब वेमेन इन दी फ्रांस, दे वर अवेयर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, बट दे वर नॉट गिवन वॉट दे डिजर्व्ड. इक्वल पॉलिटिकल राइट एज मैन, जो कि उनको कभी नहीं मिले. रिफॉर्म्स हुआ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. फिर एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई, उसने क्या रिफॉर्म्स किए? स्कूलिंग बना दी किसके लिए? गर्ल्स के लिए कंपलसरी. कोई भी फोर्स मैरिजेस नहीं हुई. देखो, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने काम किया वेमेन के लिए, लेकिन अगेन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी यही निकलेगा कि वो उसको राइट्स नहीं दे पाएंगे, एक्टिव सिटीजन नहीं मानेंगे, बट स्टिल वेमेन के लिए कुछ कुछ किया. क्या किया देखते हैं. फोर्स मैरिजेस नहीं हो सकती. डाइवोर्स लीगल बना दिया गया, मतलब अब डाइवोर्स लीगल है, वुमेन डाइवोर्स ले सकती हैं. और साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन या फिर सिर्फ वुमेन डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको उसकी अनुमति मिलेगी. ट्रेनिंग फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेसेस. वुमेन को भी एजुकेशन दी गई, वुमेन को भी बोला, देखो कंपलसरी किया गया ना स्कूल जाना, राइट? वेमेन को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी, वेमेन को बोला गया कि भाई आप ऑफिसेस को भी होल्ड कर सकते हैं और आप स्मॉल बिजनेसेस को भी रन कर सकते हैं. लेकिन स्टिल स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर. कौन सा? 1793 से 94, जो आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का पीरियड था. गवर्नमेंट वेन वेमेन पॉलिटिकल एक्टिविटी इन क्लोजर ऑफ वेमेन पॉलिटिकल क्लब्स. ठीक है, अब रॉबेस्पियर जो इतना ज़्यादा हार्श था, इतना ज़्यादा टेररइज करके लोगों को रखा था, तो वेमेन को तो छूट मिलने से रही. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? गवर्नमेंट के वेमेन के जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स चल रहे थे, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, उनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, उन सब पे बैन लगा दिया गया था. ठीक है, और वैसे भी गिलेटिन के डर से तो वेमेन और ज़्यादा बाहर नहीं निकलने वाली थी.
मैनी वेमेन अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड. उसके बाद भी जितनी वेमेन्स ने कुछ एक्शंस लेने की कोशिश की उनका भी सेम हाल किया गया. 1946 में फाइनली वेमेन को मिलता है राइट टू वोट इन फ्रांस. 1946 बहुत दूर की बात हम नहीं कर रहे हैं, 1947 इंडिया की आज़ादी से एक साल पहले. ठीक है, मतलब सब 70s से मेन को वोटिंग राइट थे लेकिन वेमेन को कब मिले, 1946. तो ये इटसेल्फ शो करता है कि वेमेन ने कितने कंटिन्यूस एफर्ट लगाए हैं टू गेट देयर पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, और इसके मतलब फ्रांस में जो वेमेन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया है, जो कंटिन्यूटी दिखाई है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, इसको देखकर पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में वेमेन जो हैं वो इनसे इंस्पायर होती हैं और सब अपने अपने वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड करने की कोशिश अपनी अपनी कंट्री में करती हैं. राइट, एक और छोटा सा टॉपिक है स्लेवरी. स्लेवरी यानी गुलामी. ठीक है, स्लेवरी का कंसेप्ट बहुत खतरनाक था. ठीक है, देखते हैं कैसे. स्लेवरी यानी एक किसी भी एक ह्यूमन को जिसको स्लेव समझा जा रहा है ना, स्लेव को कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, ना कि इंसान के प्रति, इंसान के जैसे. ठीक है, मतलब एक कमोडिटी जैसे कि हाँ ये एक स्लेव है, इसको मैंने खरीद लिया, अब मैं जो बोलूँगी वो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को करना पड़ेगा. इवन अगर मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे इसको बेचना है, मुझे खरीदना है, मैं ये सब भी कर सकती हूँ. ठीक है, मतलब एक ह्यूमन की डिग्निटी को ख़त्म ही कर देना, उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करना. स्लेवरी शुरू क्यों हुई, ये स्लेव ट्रेड चल रहा था, क्योंकि क्या चल रहा था, स्लेव ट्रेड. और कैसा था ये, ट्राइंगुलर. अभी ट्राइंगुलर का मतलब क्या है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. वर्ल्ड मैप में जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है. किसके बीच में चल रहा था स्लेव ट्रेड, तीन कंट्रीज़ के बीच में, तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज, दोनों नॉर्थ और साउथ. लेकिन बेसिकली यहाँ पर बात नॉर्थ अमेरिका की जा रही है, जिसको आप USA भी बोलेंगे कंट्री. यूरोप में लोगों को करना था बिजनेस. ठीक है, मतलब प्लांटेशन के लिए जनरली क्या चालू हुआ था आपका, स्लेवरी. ठीक है, क्यों, क्योंकि यूरोप की कॉलोनीज कहाँ पर थी, कैरेबियन, कैरेबियन आइलैंड्स. ठीक है, अब कैरेबियन के आइलैंड्स के नाम क्या क्या थे, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो. इन आइलैंड्स में क्या था, ये आइलैंड्स एक्चुअली सप्लायर्स थे प्लांटेशन कमोडिटीज़ के. ठीक है, जैसे कि टोबैको, इंडिको, शुगर या फिर कॉफ़ी. लेकिन यहाँ पर जाने के लिए यूरोप के लोग तैयार नहीं थे प्लांटेशन करने के लिए. ठीक है, तो क्या करने लगे, यूरोप के जो मर्चेंट्स थे ये लोग अफ्रीका जाने लगे, यहाँ से स्लेव्स को ख़रीदने लगे और इनको उठाकर अमेरिका के ये कॉलोनीज़ में, मतलब कैरेबियन आइलैंड्स में भेजने लगे. ठीक, अब यूरोप आप मान के चलो, चलो यहाँ समझते, दिस इज़ यूरोप, दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ अमेरिका. तो ये एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बन रहा था. ये यहाँ से पहले शिप में आते थे मर्चेंट्स अफ्रीका के पोर्ट्स पर, और दूसरे अफ्रीका के मर्चेंट्स रहते थे जो क्या करते थे, स्लेव्स को बेचते थे, या फिर ब्रिटिश मर्चेंट्स रहते थे जो स्लेव्स को बेचते थे अफ्रीकन्स को, उनको शिप में बिठाया जाता था और उनको यहाँ भेज दिया जाता था. यहाँ के आइलैंड्स पर वो प्लांटेशन करते रहते. तो ये एक, और यहाँ से प्लांटेशन के बाद जो प्रॉफिट होता था, जो कमोडिटीज़ होती थी, वो वापस यूरोप जाती थी और यूरोप ओवरऑल जितना भी उसका मार्केट था अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ पर सारा सामान बेच के पैसा कमाता था. ठीक है, बट यूरोपियंस वर रिलक्टेंट टू गो देयर एज द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन प्लांटेशंस. ठीक है, तो यूरोपियंस क्योंकि जाना नहीं चाहते थे आइलैंड्स, उनको फोर्स भी नहीं कर सकते थे. ठीक है, क्योंकि वो सारे अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो इन्होंने ऐसे लोगों को स्लेव्स बनाया जिनको ये इन्फीरियर ट्रीट कर सकते थे. किसको, अफ्रीकन्स को. और अफ्रीकन्स को इन्फीरियर ट्रीट क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर फेयर इन कलर एंड अफ्रीकन्स वर डार्कर इन कलर. तो उनको कलर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया उनके साथ, अपार्थीड उनके साथ किया गया, उनको बार बार इन्फीरियर ट्रीट कराया गया. इतना इन्फीरियर ट्रीट कराया गया कि अफ्रीकन्स खुद ये बात मान गए कि हम इन्फीरियर हैं और स्लेव बनने के लिए तैयार हो गए, है ना. अदरवाइज अगर आप अफ्रीकन्स का फिजिक देखेंगे, ठीक है, तो हाइट में भी लंबे होते हैं और उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है. ठीक, लेकिन इतने फिजिकल स्ट्रेंथ के बाद भी वो अपने आप को स्लेव मान रहे हैं, कमोडिटी की जैसे ट्रीट होने दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी. और उसका कारण क्या था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था. ठीक है, उनको बार बार बोला जाता था कि आप इन्फीरियर हैं, उनको इन्फीरियरली ट्रीट किया जाता था, तो वो खुद इस चीज़ को मान गए थे. गेटिंग, चलो ये बिल्कुल वैसी वाली कहानी है कि हाथी जब छोटा होता है तो उसको जो पालने वाला व्यक्ति होता है उसके पैर में बहुत मोटी सी चेन बांधता है, जिसको वो, जब हाथी उसको, छोटा बच्चा जो होता है हाथी का, जब वो उसको तोड़ के भागने की कोशिश करता है तो उसको समझ में आता है कि ये तो इतनी मोटी चेन है कि मैं इसको नहीं तोड़ पाऊँगा. ठीक है, और वो हमेशा, मतलब कई सालों तक बचपन में उसी चेन से बंधा रहता है. लेकिन जैसे ही हाथी बड़ा होता है
तो उसके मन में ऑलरेडी ये चीज़ बैठ गई है कि मैं इस चेन को तोड़ ही नहीं सकता, तो उसका जो मालिक होता है वो उसको मोटी चेन नहीं बहुत पतली चेन जिसको एक बार हाथी लात मारे तो खुल जाएगी ऐसी चेन से बांध के रखता है, लेकिन फिर भी हाथी नहीं भागता। कारण क्या है? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता, कंसेप्शंस बन जाते हैं दिमाग में। ठीक है, वैसा ही अफ्रीकन्स के साथ हुआ, इसलिए उनको स्लेवरी का शिकार बनाया गया। स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th century। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स एंड नांटेस टू अफ्रीकन कोस्ट। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे कहाँ से जाते थे? ये दो पोर्ट्स के नाम आपको बताए हैं, कहाँ पर कहाँ जाएंगे? अफ्रीकन कोस्ट में, वहाँ पर खरीदेंगे स्लेव्स को और उनको भेजेंगे कैरेबियन आइलैंड्स अक्रॉस अटलांटिक सी। अटलांटिक सी कहाँ है? ये जो हमने देखा था अभी, यहाँ पर अमेरिका, सॉरी यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका एंड दिस इज आपका अमेरिका। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज अटलांटिक सी। ठीक, तो इसके थ्रू किसको भेजा जाता था? स्लेव्स को। सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, सोल्ड यानी कि इंसानों को कमोडिटी की तरह बेचा और खरीदा गया। क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी कहाँ पर शुरू हो गया? फ्रांस में 18th century में। नेशनल असेंबली ने बहुत सारे डिबेट्स किए, डिबेट्स बस किए, बातें बस की, एक्शन कुछ नहीं लिया। एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो किसको बिलोंग करते थे? खुद बिजनेसमैन थे, खुद मर्चेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो लॉस के डर से उन्होंने डिस्कशंस तो किए, लेकिन कभी भी इस बात को, स्लेवरी को सबके सामने क्रिटिसाइज नहीं किया, उसको बंद करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। दी राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इन दीज कॉलोनीज। कि उन्होंने ये बोला कि जो राइट्स हम अपने लोगों को देते हैं वो सारे लोगों को देना चाहिए, भले जो हमारी कंट्री में नहीं, हमारी कंट्री के हैं लेकिन कहीं और रहते हैं, राइट? बट डिडंट पास एनी लॉ। रीजन, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन, इनकम डिपेंड्स ऑन स्लेव ट्रेड। ठीक है, ऐसे बिजनेस मैन जो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे, जिनसे कंट्री की जो गवर्नमेंट थी उसका कुछ कनेक्शंस था, लेकिन क्योंकि वो लोग क्रिटिसाइज करते उनका सपोर्ट हट जाता, दैट इज़ वाई कभी भी कोई लॉ स्लेवरी के अगेंस्ट पास नहीं किया गया। ठीक है, 1794 में कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच पोजेशंस ओवरसीज। कन्वेंशन, नेशनल असेंबली का दूसरा नाम। ठीक है, इन्होंने एक लेजिस्लेट किया, एक लॉ निकाला कि फ्रेंच पोजेशंस जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो फ्रांस के तो बाहर है लेकिन मानते वहाँ पर फ्रांस का रूल है ना, ऐसी बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरीज होती हैं कंट्री के पास, उन सारी जगहों पर से स्लेव ट्रेड को कम्प्लीटली बैन करना, स्लेवरी को पूरी तरीके से ख़त्म करना, ऐसा एक लॉ बनाया गया। कब? आखिरकार 1794। 10 साल के बाद नेपोलियन ने दोबारा से स्लेवरी ला दी, है ना, करे कराए पे पानी फेरना कोई नेपोलियन से सीखे। इन्होंने क्या किया? बड़ी मुश्किल से तो स्लेवरी बंद हुई, 10 साल बाद नेपोलियन दोबारा से क्या कर देते, जब वो आते हैं रूल में तो स्लेवरी दोबारा से चालू कर देते हैं। इसको हमारी भाषा में कहते हैं गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, फाइनली स्लेवरी कब बंद होगी? 1848 में, सारी फ्रेंच कॉलोनीज में। ठीक है, और अगेन यहाँ पर क्योंकि फ्रेंच कॉलोनीज में बंद होगी तो स्लेवरी अलग अलग जगह पर बंद करने के लिए भी इन्फ्लुएंस लोग होंगे। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दौरान कौन कौन से ऐसे चेंजेस हुए जो सिग्निफिकेंट थे और जिनको पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया बाद में, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम और इक्वालिटी, इन दोनों को प्रमोट करने का काम फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया। आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बेस्टिल 1789 में, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, जब बेस्टिल के प्रिजन को गिरा दिया जाता है तो उसके बाद सेंसरशिप जो होती है उसको अबॉलिश किया जाता है। सेंसरशिप का मतलब कि गवर्नमेंट या जो भी रूलिंग बॉडी है उसके हाथ में ये पावर होगी कि न्यूज़पेपर्स में क्या चीज़ें छपेंगी, लोगों तक क्या खबर पहुंचेगी, न्यूज़ क्या बनेगी, इन सब के ऊपर एक रेगुलेशन लगाया जाता था, इसको बोला जाता था सेंसरशिप। ठीक है, क्या कुछ गलत न्यूज़ लोगों तक ना पहुंचे, गेटिंग, इसको ख़त्म कर दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल राइट बना दिया गया जिसको आपसे रिवोक नहीं किया जा सकता, जिसको आपसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, 1804 में नेपोलियन अपने आप को बना देते हैं फ्रांस का राजा। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज को भी क्या करेंगे, ये कैप्चर कर लेंगे। देखो इनकी हरकतें ये क्यों हो रही थी, कंक्योर करने वाली हरकतें क्यों थी, क्योंकि ये मिलिट्री के पर्सन थे,
है ना, और मिलिट्री का जो व्यक्ति है उसके दिमाग में एक नोशन बना होता है कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्सपैंड करना है ना, अपना राज्य जो है वो बड़ा करना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को 1804 में राजा बनाते हैं फ्रांस का। अगेन मोनार्की आ रही है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, राजा और मोनार्की भी नहीं एग्जैक्टली, हम इसको कहेंगे एक मिलिट्री का पर्सन जो है वो हेड करने चल रहा है। ठीक है, आसपास की कंट्रीज़ को कॉन्क्योर करेंगे और अपने आप अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर बिठा देंगे कि हाँ अब तुम हमारे, अब ये एरिया अपना है। ठीक है, ऐसे। और अपने आप को इन्होंने क्या बोला कि हम फ्रांस का, नॉट ओनली फ्रांस, हम यूरोप के मॉडर्नाइज़र हैं। मतलब कि हम यूरोप को क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, और किया भी। ठीक है, कुछ कुछ मॉडर्न तरीके इन्होंने उसमें इनकलकेट किए, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी, ये प्रॉपर्टियाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बोला कि अभी तक कैसा चला था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, अब इन्होंने बोला कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और उसके ऊपर आपको राइट्स भी मिलेंगे, है ना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, क्योंकि यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं वो पास पास हैं और उनका इंटर ट्रेड जो होगा, मतलब इंटर कंट्री जो ट्रेड होगा, उनका इंटर स्टेट ट्रेड जो होगा, उसमें अगर हर कंट्री में अलग अलग वेट्स होंगे, हर कंट्री में 1 किलो का जो मेजर है वो कुछ और है, प्राइसेस कुछ और हैं, वेट्स कुछ और हैं, अलग अलग चीज़ों से वेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है ट्रेड के लिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, यूनिफॉर्म मेजर चलाओ। ठीक है, पीपल सॉ हिम एज लिबरेटर अर्लियर, बट लेटर नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एज इन्वेडिंग फोर्स। नेपोलियन के जो रिफॉर्म्स थे और मॉडर्नाइजिंग तरीके जो थे, इनको देखकर पहले लोगों को ये लगता है कि नेपोलियन अच्छा व्यक्ति है और ये हमको लिबरेट करा रहा है, ये हमको फ्री करा रहा है अभी तक फ्रांस में जितनी भी गलत चीज़ें हो रही थी उनसे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि नेपोलियन जो है ये रूल करने के अलावा एक इन्वेडिंग फोर्स ज़रूर बनाना चाहता है, मतलब ये चाहता है कि हमारा एरिया एक्सपैंड होते चले जाए, तो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेड करते जाएंगे, दूसरे एरियाज़ में इन्वेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेडर थे, इसके कारण क्या हुआ कि लोगों को पसंद नहीं आया लंबे समय तक, और फाइनली जब ये दूसरी कंट्री से लड़ रहे थे तो इनको बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू क्या है, एक बैटल का नाम है, यहाँ पर 1815 में इनको हरा दिया जाता है और मार दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनली कौन भी चला गया फ्रांस से, नेपोलियन भी चला गया। ठीक है, और यहाँ पर नेपोलियन के जाने के बाद, 1815 के बाद फाइनली फ्रांस में, यहाँ पर हमको चैप्टर के आगे इस, मतलब इस टॉपिक के आगे चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं बताएगी क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, लेकिन फाइनली फ्रांस बहुत सारी चीज़ों से यहाँ से फ्री हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में फ्रांस, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ों के लिए फेमस हो चुका होता है कि भाई फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को इक्वालिटी बताई, लिबर्टी बताई कि फ्रीडम क्या होगा। ठीक है, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर, थर्ड एस्टेट या जो वीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, पीजेंट्स आर्टिस्ट थे, वुमेन थी, इन सारे लोगों ने एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई, इन सारे लोगों ने एक ब्रदरहुड दिखाया और साथ में हर कंडीशन में लोगों के अगेंस्ट लड़ाई की है। सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया था यहाँ पर, जो वीकर सेक्शंस थे। ठीक है, लेकिन फ्रांस ने, आप सोचिए कि शुरू से लेकर लास्ट तक, नेपोलियन के मरने तक, कितने ज़्यादा सारे चेंजेस देखे, अलग अलग फॉर्म की गवर्नमेंट देख ली, अलग अलग मोनार्क देख लिए और सबके अलग अलग रूल करने के तरीके देख लिए। तो इसके बाद फ्रांस में जो कुछ भी होगा, मतलब या जो कुछ भी हुआ उस समय, मैं इस समय की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी होगी या जैसे भी चेंजेस आए होंगे, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर लोगों की मेंटालिटी जो है वो पूरी दुनिया से एक डिफरेंट लेवल पर पहुँच चुकी होगी। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और चैप्टर से सीखने को अगर हम देखें तो स्टोरी के अलावा ढेर सारी चीज़ें हैं जो हमने बीच बीच में कवर करने की कोशिश की हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को पूरा एक बार, अगर आपने अलग अलग लेक्चर्स देखे हैं अच्छी बात है, अलग अलग रीड किया अच्छी बात है, एक बार जब आप सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे, प्लीज़ अपने NCERT उठा कर कोशिश करें कि 1-1.5-2 घंटे में लगातार एक बार में लास्ट तक पूरा चैप्टर पढ़ लें, ताकि कोई भी लूप होल आपके दिमाग में ना बचे, या कहीं पर भी कहानी एक दूसरे से मैच, या कहानी एक दूसरे से लिंक ना टूटे उसकी। ठीक है, क्योंकि हम अगर सारा एक इकट्ठा करते तो 3-4 घंटे का लेक्चर बनता, दैट वॉज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने पार्ट्स में कवर किया। लेकिन आपको पूरी स्टोरी दिमाग में एक साथ रखनी है, इसलिए चैप्टर्स ख़त्म करने के बाद, सारे लेक्चर ख़त्म करने के बाद NCERT एक बार में रीड कर लेना और नोट्स बनाने की कोशिश करना।
ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। इसमें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। लेक्चर अगर पसंद आया, चैप्टर समझ में आया तो लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्लिक ही तो करना है बस। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, समर वेकेशन चल रहे हैं, कम से कम कुछ तो पढ़ाई कर लो, है ना। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।